मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत सारे रनिंग स्टाफ ने मीट सेक्शन में जब ट्रैवल शूटिंग के लिए कुछ वीडियो देने के लिए मेरे को रिक्वेस्ट किया है, उन लोगों को एक वीडियो मैंने ब्रेक बेंडिंग के लिए दिया हुआ और एक जो ट्रैवल शूटिंग होता है LHB के ऊपर में, जो कि FIWA बोला जाता है, फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम जिसमें होता है, उसमें या सस्पेंशन स्प्रिंग होते हैं उसी में आपका ये FIWA सिस्टम के होते हैं। इसमें देखिए एक इंडिकेटर है, इसके बारे में आज बात करेंगे, जो कि मिड सेक्शन में जबकि कुछ पाइप खुल गया होगा, कुछ प्रॉब्लम होता है ये FIWA सिस्टम के लिए। ये ट्रॉली में जो आपके जो इसमें या सस्पेंशन में जो हवा आता है इसी के ऊपर में, इसको फेलियर होने से इधर ब्रेक एप्लीकेशन होगा ऑटोमेटिक, इसीलिए अलग से डिवाइस दिया हुआ है। लेकिन इसमें 6 kg/cm² का हवा का प्रेशर आते हैं, लेकिन इसमें DV के एक पोर्ट इसमें बैठा हुआ है, उस दर से 1 kg से ज़्यादा ड्रॉप होने से अगर बेलो पंचर हुआ या तो कुछ हुआ, 1 kg से ज़्यादा उधर प्रेशर ड्रॉप अगर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक इधर ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा और ये आपका रेड इंडिकेशन होगा। लेकिन तभी उस जो दो जो ग्रीन दिखता है मेन जो ब्रेक का सिस्टम है उसमें नहीं होगा। ये जिस ट्रॉली में आपका एयर बेलो पंचर हो गया, फेलियर होगा, उसी ट्रॉली में रेड इंडिकेशन दिखाएगा, मतलब इस ट्रॉली में एक है और उस ट्रॉली में एक ये पोर्ट बैठा हुआ है। तो मतलब आपका कौन सा ट्रॉली में प्रॉब्लम हुआ ये आप लोगों को बता देंगे, आप क्या करेंगे ट्रैवल शूटिंग के लिए। आप रनिंग स्टाफ है, पॉइंट सेक्शन क्लियर करके टेक्सर पॉइंट तक लाना है, उसको बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप अगर मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। इस सिस्टम के लिए देखिए एक 150 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर सिस्टम है, ये खाली आपके एयर बेलो सिस्टम में जो FP का प्रेशर जाता है इसी के सप्लायर है, इसका साथ में और ये ब्रेक का साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है। ये ऑक्सिलरी फॉर एयर बेलो सिस्टम के लिए, एयर स्प्रिंग सिस्टम के लिए। ये जब FP का जब आपको मेंस इसमें से ब्रंच पाइप से आते हैं, देखिए उधर एक आइसोलेटिंग कॉक है, एक तो डार्ट कलेक्टर है, एक नॉन न्यूट्रल वाल्व है, ये आपका ड्रेन कॉक है, ये 150 लीटर का आपके ऑक्सिलरी रिजर्वर है। इसी के जरिए आपका मेन हवा आपको एयर बेलो तरफ जाते हैं। इसमें देखिए इधर लेवलिंग वाल्व है, ये प्रेशर आपके एयर बेलो का अंदर आते हैं, इसके अंदर में कुछ फ्लेक्सिबल पाइप रहता है जो कि एयर बेलो में जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस एयर बेलो से कुछ आपको फेल्योर होने से, वो पाइप अनकपल होने से आपको इस तरह के कुछ ट्रबल आप रनिंग गाड़ी में हो सकते हैं। उस दौरान आपको क्या होगा, पकड़ लीजिए आपको गाड़ी स्पीड में चल रहे है, आपका एयर बेलो साइड से आपको इधर पंचर हुआ या तो 1 kg से ज़्यादा प्रेशर डिस्ट्रॉय हुआ FP पाइप का। तो देखिए इधर आपके पाइप कनेक्शन है 4 स्पोर्ट में, एक वीडियो मैंने दिया हुआ है वो देख सकते हैं। इसमें ब्रेक सिलेंडर का ब्रेक पाइप एक है, ये दो जो है आपको दो बेलो के लिए इधर आते हैं, एक इंडिकेटर के लिए इधर से पाइप निकलता है ये पोर्ट से। इस पोर्ट में देखिए एक अंदर में एक ब्लैक नॉब है, एक स्विच है उधर, उसको रीसेट स्विच कहा जाता है। तो आप गाड़ी चला के लेके आ रहे हैं, उस दौरान आपका एयर बेलो पंचर हुआ या तो एयर बेलो साइड में इस ट्रॉली में या तो उस ट्रॉली में, जिस ट्रॉली में होगा उस साइड का इंडिकेटर रेड होगा अगर ब्रेक एप्लीकेशन होगा, ऑपोजिट साइड नहीं होगा, जिस ट्रॉली ठीक है उस तरफ का नहीं होगा। जिस ट्रॉली में होगा रेड इंडिकेशन आप उसी ट्रॉली में आइए, आने के बाद में उसको फॉलो करिए, उसको चेक करिए, चेक करने के बाद में आप क्या करेंगे, इधर ब्रेक रेड हो गया तो ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो आपको इसको रिलीज करके गाड़ी मिड सेक्शन क्लियर करना है, TSR पॉइंट तक लेके आना है। उस टाइम आपको शायद कंट्रोल ऑर्डर करेंगे, आप इसको अगर रेक्टिफाई कर सकते तो 60 KMPH में आप गाड़ी TSR पॉइंट तक लेके आएंगे, उसके बाद में TSR चेक करने के बाद में जो करना वो करेंगे। कर लीजिए इंडिकेशन रेड हो गया, मतलब ये एयर बेलो साइड से 1 kg से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो गया, इस तरफ से आपको
जरूर ये दोनों बेलों में, मतलब इस तरफ एक बेलो है, उस तरफ में बोस्टर है, बोस्टर का या स्प्रिंग है, इसमें से पंचर हुआ, 1 किलो से ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो ड्रॉप होने से इधर ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन हुआ, रेड हो गया। लेकिन उस दौरान ये मेन जो ब्रेक सिलेंडर का जो है, ये दोनों ग्रीन रहेगा, ये दोनों रेड नहीं होगा। आपको गाड़ी चेक करते हुए आना है, और आने का बाद में अगर इस तरीके के रेड दिखता है तो देखिए ये बीपी पाइप से इस पोर्ट में आया है। ये देखिए बीपी पाइप से आइसोलेटिंग को किस पोर्ट में आया है। इसको अभी देखिए ऑन है, सीधा पाइपलाइन का सीधा, इसको आपको इस तरीका के घुमा देना है। अभी इस साइड में है, आपको इस तरह घुमा देना, मतलब कट हो गया। कट होने के साथ साथ आपको इस तरह में रिलीजिंग साउंड मिलेगा, इधर का हिसिंग साउंड बंद हो जाएगा, और उस टाइम में आ जाके मैनुअल रिलीज कर दीजिए। ये जब तक आपको ग्रीन नहीं हुआ मत छोड़िए, ये हो जाएगा उस टाइम में। आप इसको तभी उस आइसोलेटिंग कॉक करने के बाद में, इसको आने के बाद में अगर नहीं होता तो आप इस पॉइंट को इधर से खोलिए, ये पॉइंट इधर से खुल जाएगा बॉटम से। खुलने के बाद में उधर जो देखिए रीसेट एक तो आपका स्विच है, उसको एक बार ऑफ ऑन करिए, देखेंगे इधर रेड से आपको ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गाड़ी को मिड सेक्शन क्लियर कर सकते हैं, और इसके बाद में टीएक्सआर पॉइंट आने तक टीएक्सआर, इसके बाद में आप गाड़ी देखेंगे, देखने के बाद सर्टिफाई कर देंगे। तो चलिए ये था मेरा शॉर्ट अबाउट वीडियो, एयर सस्पेंशन फॉर फीवा ट्रबल शूटिंग। आप रनिंग स्टाफ लोगों के लिए, अकंपनी स्टाफ लोगों के लिए, और जिसको जानकारी होना चाहिए उन लोगों के लिए। इस तरीके से आप लोग ज़रूर जान पाए कि आप मिड सेक्शन कैसे क्लियर करेंगे, और जिसका जनरल नॉलेज नहीं है वो आप जनरल नॉलेज भी ले लिए होंगे इससे। तो मैं आशा करता है आप लोगों को इस चीज़ को समझा पाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सुस्त रहिए, और कुछ जानकारी होना चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर उस वीडियो बना के देंगे आप लोगों का सहायता के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।